एक दफ़ा दो दोस्त थे, सैम और पीट। दोनों में बहुत दोस्ती थी। एक दिन वो शहर से जंगल की तरफ जा रहे थे। दोनों ने कहा, हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अचानक उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा भालू उनके पीछे आ गया। भालू बहुत ही बड़ा और खतरनाक था। दोनों लड़के डर के भागने लगे। भालू भालू जल्दी करो, दरख्त पे चढ़ जाओ। पीट जल्दी से दरख्त पे चढ़ गया और छुप गया, जबकि सैम ऊपर न चढ़ पाया। लेकिन उसके दिमाग में एक आइडिया आया और वो ज़मीन पर लेट गया, बिल्कुल ऐसे जैसे मर गया हो। भालू उसके पास आया, उसे सूंघा और मुर्दा समझ के चला गया। क्योंकि भालू मुर्दा चीज़ें नहीं खाता। भालू जब काफ़ी दूर चला गया तो पीट नीचे उतरा और उसने सैम से कहा, भालू तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? सैम ने कहा, भालू ने मुझे एक नसीहत की है कि कभी भी अपने ऐसे दोस्त पर एतबार ना करना जो तुम्हें मुसीबत में छोड़कर चला जाए। ये कहकर सैम अपने रास्ते हो गया और पीट वहाँ अकेला रह गया।